प्रेम तत्व को, वो परमात्मा की भक्ति को पाता। महाराज जी जाने कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते, वही जाने है जी देह जनाई। भगवान को तो वही जान सकते जैसे परमात्मा जनाने। एक बात याद रखना मेरे पागलो, खाने के जहर, खाने में अगर जहर मिलाया जाए तो दवा संभव है, लेकिन अगर बुरी संगति का जहर तुम्हारे जीवन में मिल गया तो उसकी फिर कोई दवा नहीं है। इसलिए साधु संगत करो, भगवान के प्यारों की संगत करो। हम भक्त नहीं बन पाए कोई दिक्कत नहीं, मेरे माई बाप हम भक्तों के चरण पकड़ लें, हम साधुओं के चरणों को पकड़ लें। देखो मंथरा, रामचरितमानस में एक पात्र है मंथरा। मंथरा के सलाह से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। मंथरा के सलाह से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। और रामचरितमानस में दूसरा पात्र है विभीषण का। हनुमान जी के सलाह से विभीषण की बुद्धि सुधर गई। हुआ क्या? मंथरा का परिणाम यह हुआ कि कैकेयी को जिंदगी भर के लिए भरत से हाथ धोना पड़ा। जीवन भर भरत ने कभी अपनी मां को मां नहीं कहा। फिर क्यों? क्योंकि गलत लोगों की संगति की बात मानी। इसलिए परिणाम यह हुआ कि प्रभु राम से भी हाथ धोना पड़ा था 14 साल के लिए, और भरत से भी दूरी हो गई। लेकिन विभीषण जी ने हनुमान जी की बात को माना, तो परिणाम क्या निकला? माई बाप विभीषण जी ने हनुमान जी की बात को माना, तो विभीषण जी ने पहले नंबर तो प्रभु के चरणों को पाया, फिर लंका का राज भी पाया। ये तभी संभव है मेरे माई बाप। याद रखना दूसरी बात, राम के राज्य में रह करके कैकेयी मंथरा सुधरी नहीं, और रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ा नहीं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप रहते कहां हो, चाहे भारत में रहो या नेपाल में। माई बाप दोनों एक ही है, कोई अलग नहीं। नेपाल राष्ट्र बहुत महान है, यहां आकर के हम भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करेंगे नेपाल के वासियों, जहां भी रहो जिस परिस्थिति में रहो, अपने सनातन का झंडा गाड़े रहना चाहिए। सनातन का मतलब सबको लेकर चलने वाला, सनातन का मतलब मस्तक पर टीका, सनातन का मतलब राम राज्य की स्थापना, सनातन हिंदुओं की एकता, सनातन का मतलब प्रभु श्री राम मैया जानकी जी की जय जयकार। साधु कहते जैसी संगत वैसी रंगत, आप जैसा संग करोगे वैसा आपका भाव बनेगा। माई बाप, एक व्यक्ति के पास में दो तोता थे, दोनों तोता को बेच दिया। एक तोता महात्मा ने खरीदा, एक तोता कसाई ने खरीदा। महात्मा के पास जो तोता था वो एक साल बाद सीताराम 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 बोलने लगा। कोई भी घर में आवे सीताराम बोलो, तोता बोलता था सीताराम बोलो। लेकिन कसाई के घर में जो तोता रहता था उसने दिन भर एक ही बात सुनी, मारो काटो मारो काटो। इसके घर में जो भी आवे तुरंत कहता था मार डालो काट डालो। एक ही मां के दोनों बच्चे हैं, दोनों तोता हैं, पर एक सीताराम कह रहा, एक मार डालो काट डालो कह रहा। महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किसके बच्चे हो, कहां हो, कहां रहते हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। किसके साथ रहते हो ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हम तो नेपाल के माता पिता जितने विराजमान है, प्रार्थना करेंगे तुम अपने बच्चों पर नजर रखो, अपने बेटी और अपने बेटा की संगत पर ध्यान रखो। तुम्हारा बेटा संगत किसकी कर रहा है? धर्म विरोधी की कर रहा है या धर्म रक्षक की संगत कर रहा है? अगर संगत करनी ही है ना, तो जिसके माथे पर टीका हो, जिसके गले में प्रभु के नाम की माला हो, जिसके मुख में जय सिया राम हो, ऐसे व्यक्ति की करना चाहिए। और माही बाप, आप कहोगे महाराज संगत का कोई प्रभाव है? बिल्कुल है। बसंत आती है तो प्रकृति मुस्कुराती है,
लेकिन अच्छी संगत जब मिलती है तो संस्कृति मुस्कुराती है। और नेपाल में भक्ति माता के प्रकट होने का कारण भी संतों की संगत है। महाराज जनक ज्ञानी है, लेकिन महाराज जनक के राज्य में अकाल पड़ गया। ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है, भक्त होना बहुत बड़ी बात है। और जब अकाल पड़ गया, हर जगह सूखा मच गया, तब विचार करने लगे महाराज जनक कि अब करें क्या। तब गुरुदेव ने आज्ञा की, जनक एक काम करो। क्या? आप ना हल जोतो, यज्ञ करो। ये देखो संगत का प्रभाव। गुरु का संगत किया तो गुरुदेव ने मार्ग क्या किया, आप यज्ञ करो। यज्ञ के लिए पृथ्वी का शोधन करो। और एक चौपाई माता जानकी जी की, जनक सोता जग जननी जाने की, जगत जननी जानकी जी माता तब प्रकट हुई जब संत की कृपा हुई। देखो भक्ति प्रकट बिना अच्छे संग के होती ही नहीं। गुरुदेव ने राजा जनक से कहा, जनक आप पृथ्वी का शोधन करो, पृथ्वी का शोधन करोगे तो निश्चित रूप से हल्का फल बढ़िया मिलेगा, हल्का फल ठीक मिलेगा। आहा, धन्य है श्री जनक राज जी। अकाल पड़ा है, महाराज जनक जी ने विचार किया कि क्या करें, गुरु आज्ञा है, बात माननी चाहिए और बात मानेंगे तभी प्रजा का कल्याण होगा। अच्छा दूसरी बात, जानकी जी का मतलब क्या है? माता जानकी जी के दो मतलब हैं, एक भक्ति, दूसरा निर्मल मति। जो पूरी दुनिया को निर्मल मति दे उन्हीं का नाम है जानकी। अच्छा ये निर्मल और मलिन मति क्या है? निर्मल मति और मलिन मति क्या है? निर्मल मति का मतलब है जिससे सब कुछ साफ दिखाई दे। ये तो आंखों का कमाल है। नहीं नहीं नहीं, मन का। आंखों से तो बहुत से लोगों को साफ दिखाई देता है, लेकिन केवल फिल्में दिखाई देती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आंखों से केवल पिक्चर ही देखते रहते ठटरी के बारे। पर देखना क्या चाहिए? आंखों से देखना भगवान को चाहिए, कानों से सुनना भगवान की कथा को चाहिए। और हम लोग ठीक उल्टे हैं, आंखों से देखते हैं ढिसुम ढिसुम और कानों से सुनते हैं गाना फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। बताओ ये उल्टा नहीं है तो नहीं, क्या नहीं है? तो बोले माता जानकी जी प्रकट क्यों हुई? निर्मल मति करने सब। अच्छा देखो ये निर्मल मति, मलिनमती क्या है? सुमति कुमति है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति निदाना।
जहां सुमति रहती है वहां नाना प्रकार की संपत्ति रहती, लेकिन जहां कुमति रहती है वहां नाना प्रकार के दुख रहते हैं। एक बार सुमति और कुमति ब्रह्मा जी के पास गई। कुमति रोकर के बोली, पिताजी हम तो बहुत परेशान हैं। ब्रह्मा जी बोले, क्या बात है? कुमति बोले, हमें कोई भी चाहता ही नहीं है, सब लोग हमसे दूर भागते हैं। क्या हम आपकी बेटी नहीं है? ब्रह्मा जी बोले, बेटी तो हो। तो कुमति बोली, अगर हम आपकी बेटी हैं तो क्या हम भी प्रिय नहीं है? सब लोग सुमति चाहते हैं, मुझ कुमति को कोई नहीं चाहता, क्या मुझ में कोई कमी है? ब्रह्मा जी बोले, चल कर बताओ। कुमति आगे तक गई, वापस आई। ब्रह्मा जी सुमति से बोले, सुमति तुम भी चलकर बताओ। तो सुमति चलकर आगे तक गई, वापस आई। पिताजी बताओ दोनों में से अच्छा कौन है? ब्रह्मा जी बोले, दोनों ही अच्छी हो। तो फिर पिताजी सबसे अच्छा कौन है? ब्रह्मा जी बोले, दोनों हो तो अच्छी, लेकिन सुमति आते हुए अच्छी लगती है, कुमति जाते हुए अच्छी लगती है। लगती दोनों अच्छी हैं, सुमति आते हुए अच्छी लगती, कुमति जाते हुए अच्छी लगती। और कुमति का मतलब जो, अच्छा, जिसकी कुमति होती है वो भगवान में भी पत्थर देखता है, जिनकी कुमति होती वो भगवान में पत्थर देखता है, लेकिन जिनकी सुमति होती है वो पत्थर में भी परमात्मा देखता है। और मेरे नेपाल के पागलों, हम तुम्हें ये बात भी बोले हैं तो बुरा मत मानना, मेरे पागलों, जिसकी मति सुमति होती है उनको पूरी दुनिया राममय दिखाई देती है, जिनकी कुमति होती है उन्हें राम में भी दोस्त दिखा